हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है पावर बटन एंड कॉल्स किस प्रकार से इनेबल एंड डिसेबल करते हैं वो बताऊंगी, और फ्रेंड्स किस प्रकार से यूज़ किया जाता है वो भी। फ्रेंड्स मेरे पास है एमआई का फोन, और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में पहली बार है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपका इस प्रकार से इंटरफेस आता है, एंड इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ देखते हैं एक्सेसिबिलिटी, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एक्सेसिबिलिटी के क्लिक करने के बाद आपको फिजिकल पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ दिखता है पावर बटन एंड कॉल्स, इस प्रकार से डिसेबल होता है, इस प्रकार से इनेबल होता है, यानी कि इस प्रकार से ऑफ, इस प्रकार से ऑन होता है। मैं इनको ये इस प्रकार से यूज़ किया जाएगा, जब इसे ऑन करके रखेंगे तब आपके पास कॉल, जब ये ऑन रहे और उसके बाद कोई कॉल आता है और इसके बाद इसको रिसीव करने के लिए आप ग्रीन वाले डायल को ओपन ही करेंगे, आप पावर बटन को दबाएंगे तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। अगर कॉल काटना है दोबारा से तो दोबारा पावर बटन को दबाएंगे तो कॉल कट भी जाएगा, तो उसी लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप इसे ऑफ कर कि तब आपके पास कोई कॉल आता है तो दोबारा पावर बटन को दबाते हैं और उसके बाद कॉल कट ही जाएगा सीधा, क्योंकि इसे ऑन नहीं कर रखे, तो अगर ऑन है तब आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये ऑफ है तो नहीं होगा, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से उसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में पावर बटन एंड कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स तब तक की नमस्कार।